आज हम रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन ये जरूरी है क्योंकि होमोजेनियस कैटालिसिस की जो आपने रिएक्शंस देखी थी उसका जो लास्ट स्टेप होता है जनरली रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, क्योंकि जहां पर भी ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन जरूर होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो होमोजेनियस कैटालिसिस है वहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर जरूरी है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन भी उतना ही जरूरी है। तो आप देखेंगे जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन का रिवर्स होता है, और ये रिवर्स होता है क्योंकि यहां पर रिडक्शन होगा और एलिमिनेशन होगा। तो रिडक्शन अगर होगा उसके साथ एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का कम होना, मतलब जैसे एडिशन हुआ था उसका जो अपोजिट है वो एलिमिनेशन है, और इसके साथ क्या होगा, मेटल का रिडक्शन होगा। मेटल का रिडक्शन मींस कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जनरली ऑक्सीडेट जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है उसमें होता क्या है कि ऑक्सीडेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट से कम होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन काउंट भी रिड्यूस होता है ड्यूरिंग रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का अपोजिट है, जहां पर आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जब एक्स वाई के साथ जुड़ता था तो ये ऑक्सीडेटिवली ऐड होता था और यहां पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था। उसी तरीके से आप देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रिडक्टिवली एलिमिनेट होता है, क्योंकि यहां से जो एक्स वाई है ये रिमूव होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बाई अ यूनिट ऑफ टू ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बाई अ यूनिट ऑफ टू ये डिक्रीज होती है। साथ में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो बाई अ यूनिट ऑफ टू ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का क्या है, अपोजिट है। और ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है जनरली इट अकर्स इन सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है ये प्रोसेस होती है। जनरली जो मेटल आयंस शो करते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन को वो है D8। कंडीशंस होंगी जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए कुछ कंडीशंस थी, ऐसे ही आप देखेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे D8 कन्फिग्रेशन है, निकिल है, पैलेडियम है, गोल्ड है, D6 कन्फिग्रेशन है, प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम एंड रोडियम है। ये जो मेटल्स हैं जनरली दीज आर प्रोन टू रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये इसके लिए जो कंडीशन है अभी हम देखेंगे कि क्या जरूरी ऐसी बातें हैं, वो फैक्टर्स में भी हम देखेंगे कि जहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो आपसे मैंने ये कहा कि जो होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस होती है उस होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेस में ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है जनरली इट इज द लास्ट स्टेप। ये क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद जब एडिशन हो चुका है उसके लास्ट में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली जो एच जहां पर इन्वॉल्व होता है वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन बहुत फास्ट होता है। तो ये हाइड्राइड का रिडक्टिव एलिमिनेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर RH रिमूव हो रहा है, यहाँ पर जो रिमूव हो रहा है RCHO रिमूव हो रहा है, और यहाँ पर जो रिमूव हो रहा है RR रिमूव हो रहा है। तो जनरली जहां पर भी H इन्वॉल्व होगा वो जो रिएक्शंस हैं दे आर वेरी फास्ट, वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन फास्ट होगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं क्योंकि ये जो है वो दे आर वेरी स्टेबल प्रोडक्ट्स। जनरली जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है इट इज शोन बाय द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स। जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो इस रिएक्शन को दिखाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि प्लेटिनम 4 है, पैलेडियम 4 है, इरिडियम 3rd है, रोडियम 3rd है, ऑरिक है। तो ये जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई मिलेगी वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। क्यों होगा वो भी आप देखेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिडक्टिव एलिमिनेशन को अफेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन दो तरीके का होता है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन मोनोन्यूक्लियर होता है, जैसे आपने देखा था कि जो ऑक्सीडेटिव एडिशन था वो मोनोन्यूक्लियर था, ऐसे ही जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो भी मोनोन्यूक्लियर होता है और बाइन्यूक्लियर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे सिंगल मेटल सेंटर बेस्ड होगा, एक मेटल सेंटर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो ये जो एक्स और वाई है जो एलिमिनेटिंग जो जो स्पीसीज है वो एक मेटल सेंटर से जुड़ी है। तो जब ये एक मेटल सेंटर से जुड़ेंगी तो जितना भी चेंज होगा वो सब 2 यूनिट से होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यूनिट से कम हो जाएगा और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 यूनिट से कम होगी, और जो जो आप देखेंगे जो
इलेक्ट्रॉन काउंट है वो भी दो यूनिट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ये दो यूनिट से कम होगा तो उस केस में आप देखेंगे कि ये क्या कहलाएगी, मोनोन्यूक्लियर रिडक्टिव एलिमिनेशन। और जनरली ये जो होती है इट इज मोर कॉमन इन D8 मेटल्स एंड D6 मेटल। तो दोनों ही तरीके के मेटल्स के लिए ये कॉमन है, जहां पर एक मेटल सेंटर से दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप्स जुड़े होते हैं और दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप्स की वजह से जो चेंजेस हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट में या इलेक्ट्रॉन काउंट में, वो दो से होता है, कम होता है। दूसरे तरीके का जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो है बाई न्यूक्लियर या बाई मेटलिक। मीन्स आप देखेंगे कि ये जो एलिमिनेटिंग जो स्पीसीज है वो दो मेटल सेंटर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये बाई न्यूक्लियर या बाई मेटलिक है। तो यहां पर जो चेंज होता है जनरली वन इलेक्ट्रॉन चेंज यहां पर होता है। तो वन इलेक्ट्रॉन चेंज जब होगा तो एक एक्स यहां से निकलेगा इस एम से, दूसरा वाई जो है वो यहां से निकल रहा है। तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड आ सकता है, मे बी और मे बी नॉट। तो यहां पर आप देखिए जो स्पीसीज है वो एक्स वाई निकली है, लेकिन एक इससे निकली और एक इससे निकली है, इसलिए जो चेंज होगा इलेक्ट्रॉन काउंट में, कोऑर्डिनेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो बाई वन होगा, क्योंकि एक स्पीसीज जो है वो मेटल सेंटर से रिमूव हुई है। ऐसे ही आप यहां पर देखिए कि यहां पर एम से एक्स जुड़ा है, तो एक जो मेटल सेंटर है उससे एक एक्स जुड़ा है, तो वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और इसके एलिमिनेट होने की वजह से आप देखेंगे यहां पर जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, एक यूनिट से चेंजेस होंगे। तो इस तरीके की जो जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है उसे हम बाई न्यूक्लियर या बाई मेटलिक कहते हैं, क्योंकि दो मेटल सेंटर से जो एक्स जो एलिमिनेटिंग जो स्पीसीज है वो दो मेटल सेंटर से रिमूव होती है, इसलिए जो चेंज होगा वो बाई वन यूनिट होगा। मोनो न्यूक्लियर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि जो दो एलिमिनेटिंग जो जो स्पीसीज है दे शुड बी शिस्ट टू ईच अदर। यहां पर आप देखिए यहां पर मेन जो बात हम कह रहे हैं कि जहां पर एक मेटल सेंटर से दोनों एलिमिनेटिंग स्पीसीज जुड़ी है दे शुड बी सिस। जैसे आपने देखा था कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में जब एडिशन होता है तो वो सिस पोजीशन पर होता है, ऐसे ही आप देखेंगे जब भी एलिमिनेशन होगा एक मोनोन्यूक्लियर स्पीसीज से तो वो हमेशा कहां पर होगा, सिस पोजीशन पर, अगर वो एलिमिनेटिंग स्पीसीज प्रेजेंट होंगी तो ही वो क्या होगा, रिमूवल होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये देखिए आप, ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर पैलेडियम 2+ की स्टेट में है और ये जो दो CH3 ग्रुप है जो कि एलिमिनेटिंग है ये एक दूसरे के क्या है, सिस पोजीशन पर है। तो तब ये क्या होंगे, आसानी से रिमूव हो सकते हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि पैलेडियम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0-2 थी वो अब क्या हो गई, 0 हो गई। तो जो जहां पर आप देखेंगे मोनोन्यूक्लियर टाइप की जो स्पीसीज है वहां पर दो यूनिट से क्या होगा, चेंज होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन काउंट हो, या आप देखिए कि यहां पर इसके साथ ये पोर्शन भी जुड़ा होगा जो हमने दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर जो पैलेडियम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन काउंट विल आल्सो रिड्यूस, तो इलेक्ट्रॉन काउंट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब यहाँ पर आप देखिए इस एग्जांपल में अगर ये जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, अगर यहाँ पर ये जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स है इफ दे आर एट ट्रांसपोजिशन दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दीज टू स्पीसीज, इन दोनों स्पीसीज को हटाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब ये मोनोन्यूक्लियर की हम बात करेंगे तो दोनों स्पीसीज को एक दूसरे के क्या होना चाहिए, सिस पोजीशन पर होना चाहिए, तभी ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। और अगर आप देखेंगे जो बाइन्यूक्लियर रिडक्टिव एलिमिनेशन है जनरली फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, लेकिन कभी कभी ये 4D और 5D में भी होती है। तो जैसे आप यहां पर देखेंगे ये जो स्पीसीज है ऑस्मियम की स्पीसीज है, तो यहां पर भी ये देखिए एक OS के साथ CH3 जुड़ा है और दूसरे OS के साथ H जुड़ा है, तो ये दोनों मेटल सेंटर में से एक में से CH3 निकलेगा, एक में से H निकलेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं या तो हायर टेम्परेचर पर या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एलिमिनेशन होता है। ये कैसा एलिमिनेशन है, बाई न्यूक्लियर टाइप, जो कि दो मेटल सेंटर से दो स्पीसीज क्या होंगी, रिमूव होती है। रिडक्टिव एलिमिनेशन जनरली मैंने आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेसेस में होती है, और ये जनरली हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, मोनोसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस है, क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस है, वेकर्स प्रोसेस है, हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन है, जो डिफरेंट टाइप की होमोजेनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस है वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके,
यहां पर अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन की डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है? तो जनरली जो रिडक्टिव एलिमिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो है डिसोशिएटिव, नॉन डिसोशिएटिव एंड एसोशिएटिव। और जो रेट है रिडक्टिव एलिमिनेशन का वो डिपेंड करता है कि मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है। तो यहां पर हम दो तरीके के कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, एक हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां पर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है इट जनरली स्लो, ये स्लो होता है और जनरली इट अकर्स वाया डिसोशिएटिव पाथवे। तो जनरली जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है ये डिसोशिएटिव पाथवे के थ्रू होता है। अगर हम यहां पर एक एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे यहां पर ये रोडियम कॉम्प्लेक्स है और रोडियम कॉम्प्लेक्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है और यहां पर जो रोडियम है स्पेशली ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है और यहां ये क्या है 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे तो वहां पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी, यानी जो पहला स्टेप होगा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो डिसोसिएशन होगा। तो यहां पर क्या होगा, एक बल्की लिकेंड है PME3, वो क्या होगा रिमूव होगा पहले स्टेप में। तो ये रिमूव हो रहा है, रिमूव होने के बाद इट बिकम्स अ 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज हुई। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कम हो गया 2 से, क्योंकि ये जो लिगेंड है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जब ये रिमूव हो गया तो इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है 2 से कम हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं 1 से कम हो गया क्योंकि एक लिगेंड रिमूव हो गया है, और 2 से जब ये कम हो गया है तो इट बिकम्स अ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये 18 जो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई है और ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में फिर रीअरेंज होता है और यहां पर आप देखेंगे वाई टाइप डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है, जहां पर एच जो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स हैं H है और CHTCOME है, ये जो ग्रुप्स हैं वो नजदीक आएंगे और Y शेप में आप देखेंगे जो H है, जो CH2COME और CL है, ये Y शेप में अरेंज हो जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे करीब आ जाएंगे, नजदीक आने के बाद फिर इन दोनों ग्रुप्स का क्या होना है, एलिमिनेशन होना है। तो ये भी क्या बनाएगा CHTCOME। तो CHTCOME का एलिमिनेशन होगा, ये रिएक्शन ये है तो ये एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के बाद आप देखेंगे अभी भी ये जो स्पीसीज है वो थर्ड थी, लेकिन जैसे ये एलिमिनेट होगा आप देखेंगे इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये जो +3 थी ये +1 में कन्वर्ट हो गई। साथ में आप देखिए कि यहां पर दो जो 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज थी उसमें से 2 स्पीसीज एलिमिनेट हो गई तो ये 3 कोऑर्डिनेटेड रह गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर यहां से जाने में 2 में 2 कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन काउंट 2 कम हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनर ये चला गया और एक इलेक्ट्रॉन डोनर ये चला गया, और साथ में आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 2 से कम हो गई। और अब क्या होगा, जो ये PME3 निकला था ये PME3 क्या हो जाएगा यहां पर ऐड होगा और ऐड होने के बाद अगेन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम्स 4। तो अब आप देखिए कि यहां पर अगर हम इस प्रोडक्ट को, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएक्टेंट, अगर हम इन दोनों में देखें तो आप ये देखेंगे कि ये जो स्पीसीज है यहां पर रोडियम थर्ड की फॉर्म में है, यहां पर रोडियम फर्स्ट की फॉर्म में है। तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आया है वो क्या आया है -2 आया है। ये मोनोन्यूक्लियर टाइप है जहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही मेटल सेंटर से 2 स्पीसीज एलिमिनेट हुई है। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, दूसरा आप देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट 2 से कम हो गया है क्योंकि 2 स्पीसीज इसमें से रिमूव हुई है, तो टोटल ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी जो कि रिएक्टेंट थी। और तीसरा आप देखेंगे अगर आप इन दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंस देखेंगे तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन में देखेंगे, अगर हम स्टेप वाइज जाएंगे तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल चेंज देखेंगे तो जो रिएक्टेंट है वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहां पर जो रोडियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो +1 है, जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो क्या हुआ है यहां से यहां जाने पर 16 हो गया है, और जो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रॉन काउंट भी रिड्यूस हुआ है। तो 18 से 16, 3 से 2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4 हुआ है, इसलिए एक रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है क्योंकि पहला स्टेप क्या है, डिसोशिएशन है, जहां पर बल्की लिगेंड क्या होता है पहले एलिमिनेट होता है। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो मैकेनिज्म है वो 3 तरीके की होती है, डिसोशिएटिव, नॉन डिसोशिएटिव एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एंड दीज मैकेनिज्म दे डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दी
लिगेंड्स और दी टाइप ऑफ स्पीसीज, कैसी स्पीसीज है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है पैलेडियम कॉम्प्लेक्स का, जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर जो रिमूविंग स्पीसीज है, जो एलिमिनेटिंग स्पीसीज है, वो पीएच एंड एन टी ओ एल होल ट्वाइस है. यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला स्टेप क्या होगा, डिसोसिएशन स्टेप होगा, जब जनरली क्या होता है कि पीपीएचजी का कंसंट्रेशन लो होता है. तो जब पीपीएचजी का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा रिएक्शन मीडियम में, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी, और आप देखेंगे पहले क्या होगा, एक पीपीएचजी रिमूव होगा. तो जब एक पीपीएचजी रिमूव होगा, तो यहां पर आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, जैसे ही पीपीएचजी हटा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया. और एक पीपीएचजी के रिमूव होने से जो पैलेडियम था वो +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है. यहां पर ये +2 में ही रहेगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रहेगी, बट कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस. और उसके बाद क्या होगा कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, दे विल एलिमिनेट, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में PPH3 फिर से ऐड हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमें इस तरीके का मिलेगा. तो फाइनली आप देखेंगे जो 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 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो जाती, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी. तो पहले वाले स्टेप में भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है और दूसरे स्टेप में भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है. ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रह गया, जो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी वो 0 हो गई है, 2 क्योंकि एक ही जो मेटल सेंटर है वहां से क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है. तो ये मोनोन्यूक्लियर टाइप एलिमिनेशन है, जहां पर फाइनल प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन काउंट विल ऑल्सो डिक्रीज. तो ये कब होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, जबकि पीपीएचजी का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा. लेकिन अगर पीपीएचजी का कंसंट्रेशन हाई होगा तो उस केस में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म नहीं होगी, बल्कि ये जो मैकेनिज्म होगी ये नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी. तो यहां पर पहले क्या होगा, जो एलिमिनेटिंग जो जो स्पीसीज है वो दोनों स्पीसीज डायरेक्ट क्या होंगी, नजदीक आएंगी एक दूसरे के, और नजदीक आने के बाद ये पहले स्टेप में ही क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी. और यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, सीधे सीधे जो हमें प्रोडक्ट मिला वहां पर आप देख सकते हैं कि पैलेडियम 2 से 0 में कन्वर्ट हो गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 2 हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉन काउंट है इट ऑल्सो डिक्रीज. तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पहले स्टेप में ही क्या हो गया है कि सीधे एलिमिनेशन हुआ है. तो जहां जब हाई कंसंट्रेशन होगी तो ये PPH3 निकलेगा भी तो भी वो ऐड हो जाएगा दोबारा. तो इसलिए जो है हाई कंसंट्रेशन में नॉन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी. और तीसरे तरीके की जो मैकेनिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होती है वो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म. एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा, जो पहला स्टेप है वहां पर जो स्पीसीज है एक लिगेंड जो है पहले बाइंड होगा. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लिगेंड जो है वो पहले बाइंड हो रहा है, ये 4 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही है. उसके बाद ये जो लिविंग ग्रुप्स हैं ये दोनों एक दूसरे के सिस पोजीशन पे होंगे, और उसके बाद इनका क्या होगा, रिमूवल होगा, और रिमूवल के साथ ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. तो यहां पर आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 1 से रिड्यूस हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है. तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 तरीके के मैकेनिज्म हो सकते हैं, डिसोसिएटिव, नॉन डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म. अगर हम फैक्टर्स देखें जो रिडक्टिव एलिमिनेशन को अफेक्ट करते हैं तो वो क्या क्या है, तो अगेन क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 2 तरीके के स्पीसीज होती है, एक होती है मेटल और एक होती है लिगेंड. तो यानी 2 ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन को, एक तो होगा मेटल का नेचर और दूसरा होगा लिगेंड का नेचर. तो अगर हम देखें कि मेटल का टाइप एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल सेंटर, तो अगर हम देखें कि मेटल का टाइप, मतलब अगर मेटल 3D सीरीज का है और 4D एंड 5D सीरीज का है, तो 4D और 5D सीरीज में क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए इसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन कठिन होता है. और अगर हम 3D सीरीज के मेंबर्स को देखें तो वहां पर रिडक्टिव एलिमिनेशन फास्ट होता है, क्योंकि यहां पर ML बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन जो लिगेंड निकलने वाला है वो अगर बॉन्ड मजबूत बना रहा है तो क्या होगा, जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा वो कठिन होगा, वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, जो कि 4D और 5D सीरीज में होता है, क्योंकि ML बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए एलिमिनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. सो इन केस ऑफ 3D सीरीज मेटल कॉम्प्लेक्सेस द रिडक्टिव एलिमिनेशन इज फास्टर. अगर हम इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर को देखें तो वो फास्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन करता है. क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर कौन होगा, अगर मैं 2 मेटल स्पीसीज लूं, एक में लूं M2+ और एक में लूं M0. अब इसमें से जो पुअर इलेक्ट्रॉन मेटल है वो M2+ है,
पुअर इलेक्ट्रॉन सेंटर ये फास्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन करते हैं, और जो रिच होते हैं वो स्लो करते हैं. तो ये फास्टर एलिमिनेट करेगा, ये स्लो करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ये एफिशियंट स्पीसीज है. अगर इलेक्ट्रॉन एफिशियंट स्पीसीज होगी तो वो फास्टर रिडक्टिव एलिमिनेट नहीं करेगी. तो यहां पर आप देखेंगे क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, जो कि इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का हाई होना. और क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन में होता क्या है कि ये जो हाई स्पीसीज है वो लो ऑक्सीडेशन स्पीसीज में कन्वर्ट होती है, इसलिए जो मेटल स्पीसीज है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई होनी चाहिए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन पुअर होना चाहिए, तभी रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो इस स्पीसीज में रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, ठीक है, और इसका जो है वो रिडक्शन इतना आसान नहीं है. तो इसका रिडक्शन आसान नहीं है, इसलिए रिडक्टिव एलिमिनेशन शो नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रॉन पुअर जो मेटल सेंटर होते हैं दे अंडरगो फास्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. दूसरा जो फैक्टर है वो हमने कहा लिगेंड का फैक्टर है. तो लिगेंड का फैक्टर, पहला फैक्टर अगर हम देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट, तो जो लिगेंड अटैच्ड है वो जितने बल्कि होंगे, आप जानते हैं कि बल्की लिगेंड का मतलब है कि वो स्टेरिक हिंडरेंस जनरेट करेंगे, तो जितने बल्की लिगेंड होंगे वो स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से दे विल शो फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन. बल्की ग्रुप आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि वो स्टेरिक हिंडरेंस ला रहे हैं. तो इसलिए जहां पर स्टेरिकली हिंडरेंस होगी वहां पर फास्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल पीपीएच थ्री है, पीपीएच टू एम ई है, पीएमई थ्री है, पीएफ थ्री है. तो आप इसमें देखेंगे सबसे फास्टर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा वो इस लिगेंड का होगा, मतलब इस लिगेंड कंटेनिंग कंपाउंड में फास्टर जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो होगा, क्योंकि यहां पर बल्कियर ग्रुप्स हैं और यहां पर जो है वो बिल्कुल ही कम छोटे ग्रुप्स हैं. दूसरा आप यहां पर देखेंगे कि जो पी एफ थ्री है, पी एफ थ्री को अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो एफ है, एक तो ये एफ छोटा है बल्कि नहीं है, दूसरा आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये जो मेटल सेंटर है इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर देगा. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी करने की वजह से ये जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो ये फास्ट रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा. अब आप देखिए कि ये बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड दिखा रहा है. यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो जो पीएफ थ्री है इसको क्या करना चाहिए, इसको जो है वो स्लो रेट शो करना चाहिए रिडक्टिव एलिमिनेशन का, क्योंकि एफ क्या है, स्मॉल है. लेकिन पीएफ थ्री जो है वो फास्ट रिएक्शन शो करता है. क्यों करता है? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है इस मेटल सेंटर पर, और आप जानते हैं जो सेंटर इलेक्ट्रॉन पुअर होंगे वो अच्छे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं. तो पीएफ थ्री को करना तो चाहिए स्लो रिडक्टिव एलिमिनेशन, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द मेटल सेंटर, और अगर मेटल सेंटर में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो फास्ट होगा. तो जरूरी नहीं है हमेशा जो स्टेरिक हिंडरेंस है वो काम करे, कई बार जो है वहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग तरीके से अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को. तो पीएफ थ्री के केस में भी फास्ट रिएक्शन होगी और पीपीएच थ्री के केस में भी फास्ट रिएक्शन होगी. पीपीएच थ्री के केस में फास्ट रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि यहां पर बल्की लिगेंड है, और पीएफ थ्री के केस में इसलिए फास्ट होगी क्योंकि एफ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि मेटल सेंटर को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगी, और रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होगा, फास्ट होगा. एक जो कंडीशन आपने देखी थी कि जहां पर भी हाइड्राइड लिगेंड का एलिमिनेशन होगा वो फास्ट होगा, तो हमेशा जहां पर भी हाइड्राइड इन्वॉल्व होगा एलिमिनेशन के लिए वो एलिमिनेशन क्या होगा, फास्टर होगा. फिर आप देखेंगे कीलेटिंग लिगेंड्स. तो अगर हम कीलेटिंग लिगेंड्स को देखेंगे तो जहां पर भी कीलेटिंग लिगेंड होंगे, देखिए यहां पर दो तरीके के लिगेंड हैं, एक कीलेटिंग लिगेंड है और एक मोनोडेंटेड लिगेंड है. तो जो कीलेटिंग लिगेंड है बिकॉज इट फॉर्म्स स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन किसका होगा, इसका होगा. तो जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है उनका एलिमिनेशन फास्टर होगा, और जो कीलेटिंग लिगेंड है उनका जो एलिमिनेशन है वो क्या होगा, स्लो होगा. जनरली ये जो एलिमिनेशन है वो इनका कीलेटिंग लिगेंड्स का नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेबल रिंग बनाते हैं.
मेटल के साथ, तो मोनोडेंटेड लिगेंड जो है उनका एलिमिनेशन क्या होगा, फास्ट होगा। और एक कंडीशन और है कि अगर लिगेंड जो है दे आर प्रेजेंट इन द ट्रांसपोजिशन देन दे आर नॉट प्रोन टू द रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो अगर दो ग्रुप्स जिनको एलिमिनेट होना है अगर वो ट्रांसपोजिशन पर है तो उनका एलिमिनेशन नहीं होगा। ये कंडीशन है कि अगर वो दोनों सिस पोजिशन पर होंगे तभी उनका रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल है। फिर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जनरली होता क्या है कि जो 3 and 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर जनरली प्रोन टू द रिडक्टिव एलिमिनेशन एज कंपेयर टू द 4 or 6 मेंबर्ड मेटल सेंटर्स। तो यानी अगर ऑड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मेटल का तो वहां पर जनरली जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो फास्टर होता है बजाय जो जो इवन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उससे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अफेक्ट करता है रिडक्टिव एलिमिनेशन को। तो इस तरीके से हम एक बार इसको और रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेक्शन। पहले हम इस सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है दीज रिएक्शंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्योंकि ये जो है इंटरमीडिएट स्टेप, तो क्या कहें जनरली इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द होमोजीनियस कैटालिटिक साइकिल्स। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में जनरली क्या होता है, रिडक्शन होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होगी, इलेक्ट्रॉन काउंट कम होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। ये 2 से कम हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। तो 2 से कम ये कब होता है, जनरली जब मोनोन्यूक्लियर रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, और जब बाइन्यूक्लियर जो एलिमिनेशन होता है उस केस में ये 1 से क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यहां पर आपने कंडीशंस देखी कि कंडीशंस क्या जरूरी है कि जो कंडीशंस है वो ये है कि मेटल सेंटर को क्या होना चाहिए, मेटल सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तब जो फास्टर रिएक्शंस होती हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो लिगेंड्स हैं लिगेंड्स को क्या होना चाहिए, लिगेंड्स को स्टेरिक इफेक्ट अगर वो शो करते हैं तो फास्टर रिएक्शन होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो फास्टर रिएक्शन होगी, हाइड्राइड एलिमिनेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो फास्टर रिएक्शन होगी, कीलेटिंग लिगेंड है तो स्लो रिएक्शन होगी, और अगर ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट है जो एलिमिनेटिंग लिगेंड्स हैं देन क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी, जो क्या है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है। फिर आपने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में एक मैकेनिज्म होती है दैट इज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, और ओवरऑल जो होता है जो पहला जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वहां पर 2 यूनिट से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन काउंट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में डिसोसिएटिव, नॉन डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, जो अगर पीपीएसटी का कंसंट्रेशन कम हो तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, अगर हाई हो तो नॉन डिसोसिएटिव होती है, और इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर लिगेंड ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करता है। तो इस तरीके से जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है वो जब आप एक बार आपने पढ़ लिया है तो फिर हमारे लिए आसान होगा कि हम उसको कहां पर यूज कर पाए, जब हम होमोजेनियस कैटालिटिक साइकिल्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम बार बार इस शब्द को पढ़ने वाले हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके, सो थैंक यू एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज ऑन माइग्रेटरी इंसर्शन। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको